मीडिया की जब स्टडी में पहुंचे तो वहां पे जाके पता चला कि जो हमारे इर्द गिर्द बयानिए बुने जा रहे हैं ये सारा काम जो है ये लिटरेचर और फिल्म और जो न्यूज़ मीडिया है उसके थ्रू हो रहा है और उसमें जो कॉरपोरेट सेक्टर है जो सरमायादारी है वो लीड कर रही है वो अपने बयानिए जो है वो मज़बूत तरीके से बुन रही है और जो कल्चर की प्रोडक्शन की जा रही है वो मैस प्रोडक्शन इसी अंदाज में की जा रही है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो उस को मिले और जो आम लोग हैं जो गरीब तबका है जो सबाल्टन क्लास है वो उसके अंदर कहीं रिफ्लेक्ट ना करें इसमें एक ब्लॉग आपने देखा होगा ड्रामे पे बात हम कर रहे थे मुन्नू भाई के ऊपर उनका एक शेर भी इसमें मैंने कोट किया है कि ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋੜਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਘਾਹ ਦੇ ਥੀਲੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਮੀਨੂ ਤਰਸ ਗਏ ਆ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ 10 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਆ ਵਾਹਬਗਰ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ سرمایہਦਾਰੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ بڑا ਵਰਗਤ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸਕੇ ਨੀਚੇ ਜ ਸਬਾਰਟਨ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਸਕੀ ਹਸਿਆਤ ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿੰਕੋ ਜੈਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਧੂਪ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਤੀ तो हमारे यहाँ जितना भी मीडिया है जितनी भी फिल्म है और जितने भी टॉक शोज़ हैं वो सबाल्टन क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं खंगाल रहे ठीक है कि उनकी ज़िंदगी के मसाइल क्या हैं उनकी कहानी क्या है हमें जो इश्तारत नज़र आते हैं उस इश्तहार में भी हमें जो मज़दूर नज़र आता है वो सिर्फ़ खरात लेने के लिए खड़ा है उसकी कहानी का ना कोई बैक प्लॉट है और ना उसकी कहानी जो है वो मेन इश्तहार के अंदर शामिल है अगर शामिल है तो उसका काम यही है कि उसने आके हाथ फैलाना है सेठ ने उसके हाथ पे खरात रख देनी है और उसके बाद फिर जो है वो फ्रेम से निकल जाता है और वहाँ पे मैसेज आ जा जाता है कि आपकी खरात जो है वो इतने लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है मसला ये नहीं है मसला राइट का है कि आप जो आपके घर में खातून या बच्ची जो काम कर रही है पहले तो बच्ची को आप नौकरी पे रखते हैं तो आप खुद वायलेशन कर रहे हैं जो हमारी अपर मिडिल क्लास के यहाँ भरी पड़ी है वो जो मुल्की कवानीन हैं मजदूरी के उसकी वो स्रीन वा वायोलेशन करते हैं जब वो तेरह साल से कम उम्र की बच्ची को काम पे रख लेते हैं या चौदह साल से या पंद्रह साल के लोगों को अच्छा उसमें देखने में ये भी आता है कि उनके कैलोरी रिच बच्चे जो खा खा के बड़े मोटे होते हैं वो एक कैलोरी डेफिसिट जो बच्ची होती है हमेशा उसने उठाया होता है और वो उसको चार पाँच घंटे उठा के मेम साहब के पीछे जो है वो फिरती रहती है तो इस तरह के बयानिए हैं जो हमारे यहाँ मौजूद हैं अगर हम इन लोगों की बात करें तो हम कहते हैं कि जी आप वर्कर्स के साथ अच्छा सलूक करें इनको खैरात दें आपने जिस बंदे को काम पे रखा है अपने घर में आप उसको जो मिनिमम वेज है है अगरचे ये भी एक मज़ाक है अगर आप उसको मिनिमम वेज दें तो उसके बाद उसको खैरात देने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको अपनी उतरन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन हम उसकी तरफ नहीं आएंगे हम कहेंगे कि नहीं जी हमने देखें आपको दस हज़ार रुपया दिया है महीने का साथ आपको खाना भी तो दे रहे हैं ना तो खाना आप क्यों दे रहे हैं आप उसकी जो पूरी मिनिमम वेज है तीस पैंतीस हज़ार रुपये आप उसको दें उसके जो वर्किंग आवर्स है उसके मुताबिक उसको ले कर चलें तो ये चीज़ें हमारी अपर मिडिल क्लास नहीं सोचती हमारा जो एडवर्टाइजिंग uh, में बैठा दानश्वर है वो नहीं सोचता ड्रामे में बैठा हुआ हमारा जो दानश्वर जो ड्रामे लिख रहे हैं वो नहीं सोचते ड्रामों में आप कोई ड्रामा उठा लें मोस्टली आप देखेंगे कि करीमन बुआ सपोज एक करेक्टर का नाम है करीमन बुआ का काम है कि उसने घर के लोगों को चाय देनी है बर्तन उठाने हैं फ्रेम में इन होना है फ्रेम से आउट होना है अब करीमन बुआ की कोई स्टोरी तो होगी वो स्टोरी क्या है उसमें हमें हम ऑडियंस की दिलचस्पी क्यों नहीं पैदा करते फिर हमें मुन्नू भाई नजर आते हैं सोना चांदी घर में काम करने वाले लोग हैं सबॉल्टन क्लास हैं अब मुन्नू भाई की उस सबॉल्टन क्लास की नज़र से जो अपर मिडिल क्लास है और जो अपर क्लास है उसकी ज़िंदगी को रिवील कर रहे हैं कि यार वो कितनी बेमानी है कितनी थकी हुई है और कितनी वो जो हकीकी ज़िंदगी है या हकीकी मसरत है उससे दूर है तो ये बस कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो मार्क्सी पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रामची की एनक से देखने की कोशिश की है और अच्छा, उनको डी किया अच्छा, है अच्छा अमर, मैं आपकी किताब चुके इसको मैंने आप प्रोडक्शन में भी मैं शामिल रहा इसमें प्रूफ ही मैंने किए अच्छा मैं मसल चार पाँच कॉलम्स के नाम लेता हूँ इनकलाब का सोडा वाटर खैरात के कल्चर का बयानिया मनोसलवा को तरसते लोग अकलीतों के लिए कम पड़ती स्पेस बिना सड़क तरक्की का बयानिया शफाफ पानी का तबकाती रंग नस्ल और मिनरल वाटर टाइप अच्छा ज़ुबान और तशद गुलाम सिपाहियों के खतूत हज़ाब की मीशत जी ये बड़ा एक अहम है खैरात और लंगर पे राज़ी होने वाले लोग अच्छा कहते हैं कि अगर आपने सिर्फ़ एक क्लास देखी है तो आप शायद उतना मजबूत बयानिया नहीं तरतीब दे सकते अगर आपने मुख्तलिफ़ क्लासेस देखी हैं अपर क्लास भी लोअर क्लास भी मिडल या समाज के अंदर मुख्तलिफ समझते हैं उस क्लासेस को तो आप बयानिया बनाने में फिर कामयाब हो सकते हैं और जहाँ ख़राबी है उसकी निशानदेही कर सकते हैं मुझे इस किताब को पढ़ते हुए आपके मैं सारे ब्लॉग्स शुरू से देखता आ रहा हूँ दो हज़ार बारह तेरह से आप जो लिख रहे हैं आपने बहुत मजबूती से क्लासेस को स्टडी किया और अंदर उतर के कोशिश की है बताने की कि ये ये है असल मसला क्या कहेंगे इस हवाले से ये आपकी जिंदगी का सफ़र ऐसे ही चलता है मतलब मेरी जो फैमिली है वो माइग्रेटेड है इंडिया से पार्टीशन के वक्त वो मिडिल क्लास लोग थे पार्टीशन के बाद उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई वो यहाँ पर आके सब आल्टन क्लास में चले गए मजदूरी करना पड़ी आ, मेरी दादी जो थी वो बाकायदा मजदूरी यानी सूत काट काट के उन्होंने मेरे वाले साहब को पढ़ाया उसके बाद फिर वाले साहब अच्छे लॉयर थे फिर हम जो है दोबारा वही उसी क्लास में चले गए तो ये मेरा एक रब है, है उन सब क्लासेस के साथ फिर आगे आके कॉमरेड आसिफ कॉमरेड चंगेज़ लाल खान ऐसे लोगों से जो है वो वास्ता पड़ता है तो इन चीज़ों को करीब से देखने को इन चीज़ों में को समझने में काफ़ी मदद उससे जो है